एक सम्मेलन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक एक तरह का सम्मेलन है, बैठक है, जहां समाज के सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके चिंतन मनन करेंगे और आने वाला समय में ये समाज कैसे विकसित होगा, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और भी जो हमारे अथी हैं उसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन मुद्दों को लेकर के आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा लोग आए हुए हैं जो आने वाले समय में इस समाज के कर्णधार होंगे, चाहे राज्य और देश के भी होंगे, तो सभी की बातें होगी और सबका विचार आएगा, सबके विचार आने के बाद एक मंथन होगा, उसी पर काम करेंगे हम लोग और हम सब एकजुट होकर के एक एकजुटता का परिचय है कि सब समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई राजनीति में है, कोई समाज सेवी है, हर का अपना अपना योगदान है और सबका एक जो यहाँ इनपुट आएगा वो हमारे समाज को बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इन्हीं विषयों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद दलित समाज उत्थान नहीं कर पाया, हर समाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उत्थान किया है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? ऐसी बात नहीं है कि समाज ने उत्थान किया है, अलग बात है कि औरों से कम है जी वो, लेकिन अब लोग जागने लगे हैं और अब लोग समझने लगे हैं। देख लीजिए, युवाओं को देख के आपको लगेगा कि समाज में जो आने वाले बच्चे हमारे हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो अब जागने शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर पर समाज के लिए अच्छी बात है। इन्हीं सब के लिए हम इन लोगों को बुलाए हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपके सीने में कितनी आग है अपने समाज के प्रति और आप समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इन्हीं सब विषयों को निश्चित तौर पर जो यहाँ बातें आएगी, यहाँ जो लोगों का विचार आएगा, समाज को एक धारदार एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही कारगर होगा। या और इस तरह के बैठकें होनी चाहिए। मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, शंकर मांझी जी हैं और सारे लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अनूठा पहल है और अनूठा में भी अनूठा इसलिए है कि सब युवा लोग आए हैं, कोई बुलाए गए नहीं है, कोई वोट नहीं लाए गए हैं, सब लोग जो आए हैं अपने आप में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब समाज के नेता हैं, सब समाज के चिंतक हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आज जो बातें निकल के जाए आज निकलेगी यहाँ से बहुत मायने अपने आप में रखेगा समाज को। सर, एक अंतिम सवाल है, जो वर्तमान में सरकार है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर हो गया है, क्या इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री हमेशा कहा करते थे नीतीश कुमार कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, अगर इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमें सामाजिक बैठक में बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा, आपको 6 इंच छोटा करने की सोच रहा, तो आपके आलोचक ही आपके सबसे बड़े प्रशंसक है और आपके अपने आदमी है, इसलिए आलोचना होनी चाहिए और जिसमें आलोचना सुनने का दम है, हिम्मत है, वही आगे जाके अपने जीवन में सफल हो पाता है। इसलिए यहाँ पर ये सब बातें आनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, सामाजिक बातों पर चर्चा हुई है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ और हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं एक राजनेता के रूप में उभरूँ, होना भी चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है और न ही मैं किन्हीं को कहता हूँ कि आप किन्हीं के कहने पर कोई काम करेंगे। अपना विवेक को इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझ को डेवलप कीजिए, जब तक आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक कोई काम में परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन क्या है? आप किस तरह से काम करते हैं, आपके काम में कितनी बारीकी है, उसी को परफेक्शन कहते हैं। तो उसी तरह समाज में जो आप हैं, जिस समाज में हैं और समाज में आप किस और उस समाज को ले जाना चाहते हैं और अपने आप को आप समाज में कैसे पेश करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और हर व्यक्ति का एक वो आज़ादी है कि अपने हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी दल को माने, किसी विचारधारा को माने, किसी व्यक्ति को माने, ये अधिकार सबको है। लेकिन जब हम समाज में बैठते हैं एक चीज़ अहम होता है, हर व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के प्रति उसकी भी उत्तरदायित्व है, उसको भी समाज के प्रति कुछ करना चाहिए और हम सबको एक होना चाहिए सामाजिक स्तर पर। हम राजनीतिक स्तर पर आपको एक होने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको जिसको मन है जिसको कीजिए, लेकिन समाज के स्तर पर आपको एक होना ही चाहिए और एक होने भी समाज की भलाई है, क्योंकि आज आपको ये सोचना होगा, आज आपको चिंतन करना होगा, जिस जगह पर आप आज हैं, आज डिजिटल युग है, आज सोशल मीडिया का युग है, आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है और आज भी हम पिछड़ रहे हैं, लोग हमको उस नज़र से देखते हैं,
कि आज भी कहते हैं कि समाज भट्ठा पर जाता है। मैं कहता हूं आपको, जो आप ऐसा सोचते हैं, मेरा कहना है कि आज कितनी जनसंख्या हमारी है, अगर राजनीतिक तौर पर आप बात करें कितने प्रतिशत लोग वोट देते हैं, आपको पता है पूरी जनसंख्या का आज भी मैक्सिमम जाता है तो 60% लोग से ज़्यादा वोट नहीं देते हैं। आज भी 40% लोग वोट देना ही नहीं चाहते हैं, वोट से दूर रहते हैं।